ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। टीम ओमिकलानी या पक्षाचे सर्वे सर्वा ओमिकलानी यांच्यावर भाजपचे माजी नगरसेवक राजेश वधारिया यांच्या मुलाने 50 लाखाची खंडणी मागितल्या प्रकरणी उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे। आता या प्रकरणी शहरात राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं असून ओमिकलानी यांच्याकडून उल्हासनगर शहरातील व्यापाऱ्यांना केलेली मदत आणि त्यांच्या प्रति असलेली सामाजिक भावना अशा आशयाचे व्हिडिओ मीडियासमोर प्रसारित केले जात आहेत। यातून ओमिकलानी यांची छबी शहरात काय आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे। तसेच वी सपोर्ट ओमिकलानी हा ट्रेंड देखील चालवला जात आहे। आता यानंतर भाजप आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांनीही ओमिकलानी यांचा खडसून समाचार घेतला आहे। काय म्हणाले भाजप आमदार आणि पदाधिकारी ते ऐकूयात। हमारे भाई राजेश वधारिया जी पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, जो उनके बेटे ने अपने साथियों के साथ जो बिल्डिंग बनाई, जो कृष्णा कोऑपरेटिव सोसाइटी के जगह पे नया बिल्डिंग प्लान पास करके बनाई, जहाँ पे नीचे 3 दुकानें और बैंक है, ऊपर ऑफिसेज है, वहाँ पे टीम ओमिकलानी का आदमी आके एक पत्र देके कि ये बिल्डिंगें टूटेगी, ये दुकानें टूटेंगे, अदरवाइज नहीं तो टीम ओमिकलानी ओमी सर को 50 लाख रुपया दो, ऐसी करके मांगनी की गई। तो ये सरासर शहर के लिए एक माना ऐसा समझा जाए कि एक बिल्डिंग के 50 लाख रुपये मांग किया जाता है तो इससे शहर में, ये तो लीगल प्लान पास की हुई बिल्डिंग है, जो अनऑथोराइज काम चल रहे हैं, 4-4 माले दुकानें बन रहे हैं या और बिल्डिंग बन रही है, उसमें से कितनी कलेक्शन की होगी। ये तो देखो, एक कारपोरेटर भी रह चुका है, पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी रह चुका है, ये शहरवासियों को सोचना चाहिए। आज जो लफड़े शहर में होते हैं या पैसे लिए जाते हैं या वीसीओ के झंझट चलते हैं, लेन देन के झंझट चलते हैं, या पूरे, मैंने कल भी एक वीडियो देखा 2018 में जो किडनैपिंग का केस था, उससे पैसे मांगे गए 50 लाख रुपए, ये पुलिस केस से हम नहीं करवाते हैं, आम जनता करवाती है। और हम तो अभी देख रहे हैं जो वातावरण लगा पड़ा है, ये शहर के लिए एकदम गलत है। आज मैं सभी शहरवासियों को अपील करूंगा कि जो दुर्घटना घट रही है या व्यापारियों को जो परेशान किया जा रहा है, आप नज़र खोल के देखिए शहर में कौन किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से फिर वापस ही इंटरव्यू दिलाया जाता है। हम तो शरीफ है, बाकी लोग गलत है। हम तो देखिए, हम पॉलिटिकली लोग हैं, मैं आमदार हूँ, आज हमारे पास ऐसा कोई आदमी भी नहीं आता है कि कोई गलत काम के लिए सोच भी सके। हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नगर सेवक है, पदाधिकारी है, किसी के ऊपर भी आज तक कोई क्रिमिनल एक गुनाह भी दाखिल नहीं है। आज वो भी पॉलिटिकली लोग है, मैं उनको कहूँगा कि ये शरारतें छोड़ दे। आज आरपीआई के साथ लफड़ा, आज बीजेपी के साथ लफड़ा, कभी सेना के साथ लफड़ा, कभी किसके साथ, ये शहर में सुख शांति चाहिए। मैं ये मीडिया के माध्यम से उनको अपील करता हूँ कि लफड़े करने से कुछ भी नहीं होगा, इस शहर में सुख शांति चाहिए। ये व्यापारी शहर है, ये जो भी घटनाएं घटती है उससे बाहर के जो व्यापारी है वो आना बंद हो जाते हैं कि इस शहर में उल्हासनगर में झंझट चालू है, लफड़े चालू है, नहीं जाना चाहिए। तो मैं अपील करता हूँ, कुछ भी हो, क्या भी हो, देखो हर एक को अपना बिजनेस धंधा करने का राइट्स है, उनको बिजनेस करने में किसी से पैसा मांगने से कुछ होता नहीं है। मेहरबानी करके ये शरारतें बंद करें, मैं आपको इस मीडिया के सामने विनती करता हूँ, धन्यवाद। शहर में यह जो चर्चा का विषय चल रहा है, लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम वी सपोर्ट ओमिकलानी, तो मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से और शहरवासियों से बताना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक राजेश वधारिया जी ने जो ओमिकलानी के विरुद्ध कंप्लेन दाखिल की है, उसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि कृष्णा निवास सोसाइटी 2016 में प्लान पास किया गया। 2016 में राजेश वधारिया जी किसके साथ में थे, ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। 2020 में उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला।
अगर कोई अवैध बिल्डिंग बन रही है या मुझे लोगों को रोकना है कि आप इस बिल्डिंग में मकान मत खरीद करो, घर मत खरीद करो, तो मुझे कब करना चाहिए? जब वो बिल्डिंग बन रही है या उसका कार्य चालू है या उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिला है तो मुझे मालूम नहीं है कि कंप्लीशन मिल गया तो अवैध कहना तो एक बात ही अलग हो गई। तो 2016, 17, 18, 19, 20 में इस प्रकार का लेटर नहीं लिखा गया, लोगों को आगाह नहीं किया गया कि आप इसमें खरीदना मत, कहीं टूट ना जाए। कब लेटर दिया जा रहा है? जब बिल्डिंग कंप्लीशन हो जाती है, बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, वहां पर एक बहुत बड़ा बैंक का पड़ोदा खुल जाता है जो लीज पर लेता है, पूरे डॉक्यूमेंट चेक करके लेता है। वहां पर एक बहुत बड़ा होटल हरदासमल रेस्टोरेंट खुल जाता है, वहां पर बहुत सारे दुकान खुल जाते हैं, वह पूरी ऑक्यूपाइड बिल्डिंग हो जाती है, तब कहा जाता है, लोगों को लेटर लिखा जाता है कि आप इसमें मकान घर दुकान मत खरीद करना, ये टूट ना जाए। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर मुझे किसी बिल्डिंग की कंप्लेन करनी है तो मुझे कंप्लेन किसको देनी है? महानगर पालिका के आयुक्त को देनी है, टाउन प्लानर को देनी है, हायर अथॉरिटी को देनी है, महाराष्ट्र शासन को देनी है, कि मुझे लोगों को जाकर के कंप्लेन देनी है, या मेरे को लोगों के नाम के पत्र लिखने हैं कि आप दुकान मत लेना जो ऑलरेडी ले चुके हैं? तो यह एक बहुत ही निंदनीय बात है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इस प्रकार के कार्य, आपसी लड़ाई, आपसी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। जो पक्ष कई वर्षों से कह रहा है, जब मैं छोटा था तब से सुनते आ रहे हैं कि कालानी परिवार जो है व्यापारियों का हितेशी है, तो क्या राजेश वद्रिया एक व्यापारी नहीं है? क्या वो दुकानदार जिन्होंने वहाँ पर घर लिए हैं, जिन्होंने वहाँ पर दुकान लिए हैं, जिन्होंने वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद की है, उनको पत्र देकर हरासमेंट करके क्या वो व्यापारी नहीं है? वो शहर से अलग हो गए? तो ऐसी बहुत ही निंदनीय घटना है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकली विरोध होते हैं, ज़रूर होते हैं, हमारे भी होते हैं, लेकिन 15 दिन तक ये विरोध होने चाहिए। जब चुनाव का समय आता है, हमें एक दूसरे से लड़ाई लड़नी है, विरोध में बातें करनी है, उसके बाद हमें शहर हित में काम करना है, व्यापारियों के हित में काम करना है, न कि हमें इस प्रकार एक दूसरे से पर्सनल दुश्मनी निकालनी है। तो मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ, भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों, इस प्रकार किसी को परेशान न किया जाए, सिर्फ इस बात के लिए कि आज राजेश वद्रिया भारतीय जनता पार्टी में है। हर एक का अपना स्वतंत्र अधिकार है, कोई किस पक्ष में रहेगा, कोई किसी पक्ष में रहेगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि खाली किसी शहर के अंदर एक ही पक्ष होगा। चाहे छोटा सा एक वार्ड हो, चाहे छोटा सा एक गांव हो, वहां पर भी अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, अलग अलग कार्य करने वाले होते हैं। तो मैं यही कहूँगा शहरवासियों को कि यह बहुत ही निंदनीय घटना है। इसमें बार बार ये दिखा करके कि मैं ओमी कालानी का सपोर्टर हूँ, यह बहुत गलत है। जो लोग उनके साथ हैं उनके लोग हैं, जो जिस पक्ष में खड़े हैं उनके, हम कहाँ कह रहे हैं कि वो आपके नहीं हैं? इस बात का सबूत कौन मांग रहा है कि आप किसके हो? इसके लिए इस प्रकार की घटनाएं इस शहर में न हो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा उचित होगा। शहर यह सुंदर शहर है, यह छोटा शहर है, इसमें सब ने आपस में मिलजुल कर रहना है, अपने अपनी विचारधारा से रहना है, किसी एक को टारगेट करके, किसी एक को निशाना बना करके इस प्रकार के कार्य करना घोर निंदनीय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे महासचिव राजेश वद्रिया जी, जो शहर में इस वक्त सब बातें चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी, राजेश वद्रिया जी हमारे जिला के महासचिव है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पे किसी की तरफ से भी कोई भी अन्याय और अत्याचार होगा तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ में डटकर खड़ी रहेगी। धन्यवाद। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्लासनगर। श्री पंचमुखी हनुमान ज्योतिषालय, हनुमान उपासक पंडित श्री विश्वनाथ भट्ट गुरु जी, साउथ इंडियन फेमस एस्ट्रोलॉजर, बहुत ज्योतिषी के पास जाकर भी आप निराशा है, एक बार भगवान पर विश्वास रखकर मिले, एक मुलाकात आपका तकदीर बदल देगा। आपका हस्तरेखा, जन्म कुंडली, पेस रीडिंग से आपका जीवन का पूरा भविष्य बताते हैं। शिक्षण, नौकरी, कर्ज मुक्ति, राजकारण, शत्रु पीड़ा, सास बहु में त्रास, स्त्री पुरुष प्रेम, प्रेम भंग, पति पत्नी समस्या, कोर्ट कचहरी, धन संपत्ति,
विदेश यात्रा, बिजनेस, शारीरिक और मानसिक चिंता, संतान सुख, आपका जीवन का A to Z समस्याओं के लिए तुरंत मार्गदर्शन मिलेगा। गुरुजी के पास विश्वास रखकर आइए, 100% संपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। आपका हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा। गुरुजी को आज ही अवश्य मिलिए। श्री पंचमुखी हनुमान कृपा से तुरंत निवारण किया जाएगा। पंडित जी हिंदी, मराठी, कन्नड़ से भविष्य बताते हैं। पता: साई पैराडाइज बिल्डिंग, शॉप नंबर 5, रुचिरा ज्वेलर्स के बाजू में, गुप्ते रोड, रेलवे स्टेशन के पास, डॉबीवेली वेस्ट, मुंबई। फोन नंबर 9663296566।